जय हिंद दोस्तों। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जिसने अभी खुदकुशी कर ली, उसको खुदकुशी नहीं बोल सकते, कहीं ना कहीं ये इंडस्ट्री के ऐसे मादरचोद लोग हैं जिन्होंने उसको ये करने को मजबूर किया। वो बेचारा कभी उसका मैंने देखा नहीं कि कौन सा कंट्रोवर्सी में है, या किसी को कभी गलत बोला या कभी कुछ किया, कभी देखा नहीं। उसका अच्छा अच्छा मूवी आया, कभी उसको घमंड नहीं देखा मैं। ये एक उसका एक विवेक अग्निहोत्री करके डायरेक्टर, उसने ट्वीट किया कि हे स्टोरी, मैं ये सुशांत राजपूत पिक्चर किया, मगर एकता कपूर ने वो रिलीज होने नहीं दिया। क्यों रिलीज नहीं होने दिया? तुम्हारे बाप का है क्या इंडस्ट्री? तुम लोग के बाप का इंडस्ट्री है क्या? जो तुम बोलेगा वही होगा? हाँ, कहीं ना कहीं ये आप लोगों की भी गलती है जो इन लोगों को ना सर पे बिठा के रखा है। इन लोग को इनके औकात दिखाओ। इनको क्या लगता है अपन कुछ भी बनावे, लोग तो देख रहे ना। वो करण जोहर क्या रे हाफ बिरयानी क्या बोलता है एक वीडियो में कि मेरे फूफी के बेटे को लू, चाचा को लू, चाची को लू, सबको लू, मेरी मर्जी। क्यों बोल रहा है मालूम है ये ऐसा? क्योंकि आप लोग देखेंगे ये कुछ भी करने दो, आप लोग देखेंगे फिर ऐसे बच्चों की ना जाने चली जाती है। कितने ऐसे स्ट्रगलर है, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी इसको बोलते एक्टर, कंगना रानावत एक्टर, वो अच्छे अच्छे है यार, इनको एक्टर बोलते हैं। किधर है बेचारे? हा किधर है? इन लोग ने दबा के रखा है उन लोग को। इन लोग के बाप की इंडस्ट्री है ना, इन लोग ने दबा के रखा, तो अभी नहीं चलेगा, बस हो गया। अभी आप लोगों के जितने नखरे थे बस हो गया। हा अभी नहीं चलेगा ये, अभी आपका पोटला भरो, पहली फुर्सत में निकलो। अभी बस ये हिंदुस्तान जो चाहेगा वही सुपरस्टार बनेगा, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा अभी। और जो भी स्ट्रगलर है जिनके साथ ऐसा हो रहा है, आप आवाज उठाओ। आप ये सुसाइड करना और खुद की जान देना ये मर्दांगी नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत आज उसके घर वालों के ऊपर क्या गुजर रही है उसको मालूम, उसके दोस्तों के ऊपर क्या गुजर रही है उनको मालूम। तो आप मेहरबानी करके ऐसा मत करिए। इन लोग को हम देख लेंगे ना, हम लोग देख लेंगे। आप लोग मत करिए ऐसा। अगर आपके ऊपर ऐसा कुछ हो रहा है ना, ये जनता तक आवाज पहुंचाइए। जब तक आप लोग आवाज नहीं पहुंचाएंगे, हमको कैसा पता चलेगा कि आपके साथ कौन अन्याय कर रहा है? डिप्रेशन में जाके कुछ नहीं होने वाला है। हम है आप लोगों के साथ, देखता है कौन कैसा काम आपका छीनता है। या अभी वो दिन गए, मेरे बेटे को लूंगा, मेरे बेटी को लूंगा, मेरे चाचा को लूंगा, मेरे चाची को लूंगा, दादी को लूंगा। गुरुवार बाजार है, गुरुवार बाजार है कि आप किसको भी लेंगे और हम लोग देखेंगे? अभी नहीं चलेगा। जो सच में मेहनत करता है ये देश उसको सपोर्ट करेगा। हाँ।
तो अभी ये नहीं चलेगा, पहले भी बोला हो, ये नया हिंदुस्तान है, अभी समझदार हो गया अभी हा? तो आपकी चुतियापंथी आपके गांड में घुसा देंगे हुँ? अभी ऐसा नहीं होगा। तो जितना हो सके ना आप लोग इन लोगों का बहिष्कार करिए, इन लोग को पद्मश्री अवार्ड देते हैं, काय के लिए देते हैं इन लोग को पद्मश्री अवार्ड, क्या करता है इन लोग तो इन लोग को पद्मश्री अवार्ड दे रहे हा? मोदी जी जो सच में ये देश के लिए कुछ करते उनको दो, या ऐसे जिनके वजह से किसका बेटा किसका पति डिप्रेशन में जाके मर रहे ना, ऐसे लोगों को नहीं देना। सास भी कभी बहू की और बाप भी किसका ससुरा, बंद करो ये अभी हा? पर तेरे को क्या लगा रे एकता कपूर छोड़ देंगे तेरे को, ये देश नहीं भूलता है, नया है ना हिंदुस्तान, अभी हिस्सा पूरा लेगा हा? प्रेस कॉन्फ्रेंस ले, माफी मांग इंडियन आर्मी से, उसके फैमिली से, और सुशांत सिंह राजपूत के फैमिली से भी, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के वजह से भी ये हुआ है हुँ? तो अभी आपका उल्टा वक्त चालू हो गया हुँ? पोटला भरो और निकलो हुँ? अभी हम जो सच में स्ट्रगल है ना उनके साथ है, तुम्हारा सुपरस्टार विपरस्टार ना सारे तारे गांड में डाल देंगे हा? अब इसी हम लोग बोलेंगे वही सुपरस्टार होएगा, तुम लोग नहीं चॉइस करेगा हा? सारे जितने भी है ना हम लोग आपके साथ है, बिंदास आ गया ये, देखते हैं इन लोग क्या उखाड़ते। हट हाफ बिरयानी।